हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे MLA, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। पूरी किसान 24 घंटे मेहनत करके, खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो MLA हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समर्थन। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है क्या? आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। चार मंडियों को बदला गया है आपकी तरफ से, जो चार मंडियों को बदला गया है जहां उनको कानून जो लागू किए गए हैं वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने कहा? बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ, देखते हैं।